श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अगोदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंद्रनाथ अगोदी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और अद्भुत साधना लेके आया हूं, और ये जो साधना मैं देने जा रहा हूं ये अपने आप में लाजवाब है और गुप्त है, गुरु गद्दी से प्राप्त है, गुरु मुख से प्राप्त है। इस साधना का उल्लेख ना आपको किसी बुक में मिलेगा ना ही सोशल मीडिया पे। इस साधना में जो मैं आज साधना देने जा रहा हूँ उसमें मंत्र विधि विधान सब कुछ दूंगा, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। सबसे पहले उन लोगों से कहूँगा जो चैनल पे पहली बार आए हैं और वो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तंत्र लाइन में रुचि रखते हैं या ना भी रखते हैं, नहीं भी नहीं रखते हैं, और उनको आध्यात्मिक क्षेत्र का केवल ज्ञान चाहिए, तो अभी तक उन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आध्यात्मिक क्षेत्र से रिलेटिव या हमारे सनातन धर्म से रिलेटिव कोई भी हम वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो कौन सी है, यानी टाइटल क्या है? तो आज की साधना है हमारी जो कि बहुत ही गुप्त और दुर्लभ साधना है, गुरु मुख से प्राप्त है, गुरु गद्दी से प्राप्त है और अपने आप में अद्भुत है, ठीक है? कौन सी साधना है? ये साधना है काल भैरव, यानी काल भैरव नजरबंदी साधना, यानी कि नजर बांधने वाली साधना। सभी लोग जानते हैं कि आपने देखा होगा कि नजर बांधने के बाद जो व्यक्ति नजर बांधता है वो जो दिखाना चाहे वही देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मंदारी, आपको काफी आपने देखा होगा मंदारी होते हैं कि वो कुछ भी नजर बांधने के बाद आपको कुछ भी दिखा सकते हैं, जो आप चाहें, जो चीज़ चाहे वो मंगा के आपको ला के दे सकते हैं। तो वो इन्हीं मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो आपको चाहें, जो आपके मन में आए कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ वो लाके अदृश्य यानी कि अदृश्य रूप में कहीं से भी लाके वो हवा में से वो चीज़ आपको दे सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ आई तो आई कहाँ से। तो ऐसे ही मैं साधना आपके लिए लेके आया हूँ। पहले भी मैंने जो मैंने कि भानुमति की साधना, नजरबंदी भानुमति की साधना मैंने डाल रखी है आपके आपके लिए चैनल पे, ठीक है? भीमसेन अघोरी की भी साधना डाल रखी है। तो आज मैं काल भैरव की साधना लेके आया हूँ जो कि बहुत ही दुर्लभ और गुप्त साधना है। उन साधनाओं में मैंने मंत्र नहीं दिया था, इस साधना में मंत्र देने वाला हूँ। इस साधना के माध्यम से जरूरी नहीं है कि आप नजर ही बांधेंगे, भूत प्रेत जिन जिन्नात सब कुछ बांध सकते हैं, किसी को भी निगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं, किसी की निगेटिव एनर्जी को झाड़ सकते हैं, कहीं भी आप चमत्कार दिखा सकते हैं, कोई भी अद्भुत या मतलब अविश्वसनीय आप काम करके दिखा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप के पास कोई ऐसी शक्ति हो कि जिसके द्वारा आप कहीं भी कोई भी चमत्कार कर सकें, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। आप गद्दी लगाते हैं या दरबार लगाते हैं या कोई भी काम करते हैं आप, अगर आपको अमेजिंग लाइफ में कुछ अच्छी साधना चाहिए तो आप, मैं कहूँगा कि मतलब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हटके करना चाहते हैं, तो ये काल भैरव की साधना कर लें। काल भैरव की नज़रबंदी की साधना है जिसका कोई तोड़ नहीं है। 101% नज़र बांधी जाती है। वो कैसे बनती है वो भी मैं बताऊँगा, इस साधना का प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है? तो इस साधना के माध्यम से आप किसी का भूत प्रेत भी झाड़ सकते हैं, ठीक है? भूत प्रेत झाड़ सकते हैं, भूत प्रेत जिन जिन्नात खिलाया पिलाया लगा लगाया, किसी को किया कराया, जो भी है किसी पे अगर निगेटिव एनर्जी है आप उसको हटा सकते हैं। वशीकरण मारन उच्चाटन स्तंभन सारी क्रियाएं इस मंत्र के माध्यम से की जा सकती हैं, लेकिन स्पेशल जो मंत्र है वो है नजर बांधने का, ठीक है? ये साधना नजर बांधने की है, लेकिन इसके माध्यम से आप सारे षटकर्म भी कर सकते हैं जिसका जीवन में कोई दुष्ट परिणाम नहीं है, क्योंकि ये काल भैरव बाबा की साधना है, ठीक है? यानी कि काल भैरव, समझते हैं ना कितना उग्र, और ये तामसिक साधना है पूर्ण रूप से, यानी कि तामसिक भोग लगेगा दारू का, लेकिन इसमें किसी मांस का प्रयोग नहीं होगा, केवल इसमें मिठाई का भोग लगेगा और दारू का भोग चढ़ाया जाएगा। बाकी मैं विधि विधान बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बनाते हुए। और जिनको ये साधना करनी है, ठीक है, वो संस्थान के नंबर पर पहले कॉल करें, पूरी जानकारी
प्राप्त करें, उसके बाद में साधना कर सकते हैं। साधना का विधि विधान मंत्र मैं वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। आपको कोई भी साधना का साधना क्षेत्र में आप आना चाहते हैं तो शिव शक्ति साधना केंद्र से आप जुड़ सकते हैं। शिव शक्ति साधना केंद्र परिवार का आप एक हिस्सा बन सकते हैं। आपका कोई भी काम है तंत्र को से रिलेटिव, तो पहले आप हमारे चैनल को देखिए कि जेन्युइन तरीके से हम काम करते हैं या नहीं करते हैं। चैनल पे बहुत सारे हमारे ऐसे ग्रुप पड़े हैं कि जिन लोगों के हम काम करके देते हैं उनकी वीडियो भी अपलोड हैं। तो कोई भी काम हो तंत्र से रिलेटिव, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, या कोई भी आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, तंत्र काट कराना है, तो आप शिव शक्ति साधना केंद्र में आ सकते हैं, तंत्र काट करा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम को लेके, घर क्लेश, जो भी आपका समस्या है, ठीक है, या साधना सीखना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, कुछ भी ए टू जेड शिव शक्ति साधना केंद्र में ए टू जेड कार्य होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विधि विधान क्या है? ये साधना 21 दिन की साधना है, ये साधना 21 दिन की साधना है। प्रतिदिन 3 माला जाप करना है। ये साधना सावर मंत्र साधना है, जो स्वयं में सावर मंत्र सिद्ध है, गुरु गद्दी से गुरु मुख से प्राप्त है। मंत्र को आपको केवल कंठस्थ करने की जरूरत है। कंठस्थ होने के बाद फिर आप साधना, मतलब मंत्र को जब तक आप कंठस्थ नहीं करेंगे जब तक साधना कंप्लीट तो होगी नहीं, लेकिन स्वयं में सिद्ध है। अगर एक बार सिद्ध होगी, मतलब आपको कंठस्थ भी हो जाता है, कंठस्थ करने के बाद आप इसका प्रयोग करते हैं तो बेशक नजर ना बंधे, लेकिन आप इससे भूत प्रेत हटा सकते हैं। किसी के ऊपर खिलाया पिलाया, नजर टोना, जादू टोना किया कराया, टूमा टक्कर जो भी है, सबको आप हटा सकते हैं केवल कंठस्थ करने के बाद ही, ठीक है। तो ये साधना 21 दिन की साधना है। प्रतिदिन 3 माला जाप करना है। रात्रि 10 बजे के बाद सावर मंत्र साधना है। ये साधना आप किसी भी रविवार से आप शुरू कर सकते हैं रात्रि 10 बजे के बाद। स्थान आप अपने घर पे कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, शमशान में कर सकते हैं, चौराहे पे कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, आप कहीं भी ये साधना कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस साधना में जो दिशा रहेगी दक्षिण, आसन पुशाका या काले रंग का, माला रुद्राक्ष की, वस्त्र काले, दीपक सरसों के तेल का, 7 प्रकार की मिठाई या इमरती या बूंदी के लड्डू आप इनको भोग में चढ़ा सकते हैं। भोग जो रहेगा मीठे का, 7 प्रकार की मिठाई, इमरती या बूंदी के लड्डू, 1 मीठा पान, 1 गांजे की सिरगट, 1 इतर, 1 नारियल, ठीक है, इतर नारियल, 1 लोटा जल, और प्रतिदिन दादू की धार देनी है। दादू का कुल्लड़ देना है आपको, प्याला इनको बाबा को, देसी दादू की, ठीक है। ये इनका भोग है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, 1 लोटा जल रख लेना है आपको, ये भोग है। और ये सारी सामग्री आपको प्रतिदिन लगानी है, ठीक है, प्रतिदिन सारी सामग्री लगानी है। चाहे तो 7 प्रकार की मिठाई ना रखते हुए आप 1 जलेबी का या 2 जलेबी के टुकड़े या इमरती रख सकते हैं आप, या फिर 7 प्रकार की सामग्री सारी डेली लगानी है आपको। इसमें कोई नहीं कि पहले और लास्ट वाले दिन लगानी है, सारी लगानी है। अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि बची सामग्री का क्या करें, तो भाई आप खाना खाते हो या घास खाते हो यार, भाई बची सामग्री को या तो पीपल के वृक्ष के नीचे रखा जाता है, या जल प्रवाह किया जाता है, या शमशान में छोड़ दिया जाता है। और एक बात, बहुत से लोग बोलते हैं कि गुरुजी जो प्रसाद हमने चढ़ाया वो प्रसाद हम खा लें, जो भोग हमने देवी देवताओं को लगाया, तो कहने का मतलब है जो हम साधना काल में भोग चढ़ा रहे हैं उसको खाना नहीं होता है। अगर हम देवी देवताओं को यूं ही चढ़ा रहे हैं प्रसाद के रूप में, अलग टाइप से पूजा करके, तब खा लेना होता है। लेकिन जो साधना काल में प्रसाद हमने देवी देवताओं को चढ़ाया है उसको ग्रहण नहीं करना होता है, उसको सबको उठा के जल प्रवाह कर देना होता है। चाहे तो प्रतिदिन कीजिए या इकट्ठा करके दूसरे तीसरे दिन कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। 21 दिन तक साधना चलने वाली है। प्रतिदिन 3 माला का जाप करना है। भोग मैंने बता दिया है। अब लास्ट, और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्या करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो एक लकड़ी की चौकी ले लें, उसके ऊपर काला या लाल कपड़ा बिछा लें, काला या लाल वस्त्र बिछा के दीपक प्रज्वलित करें। जहाँ दीपक प्रज्वलित करेंगे वहाँ 1 मुट्ठी प्रतिदिन आपको उड़द रखने हैं,
काले वाले साबुत थोड़ा सा, यानी कि उस कपड़े पे प्रतिदिन एक पहले दिन एक मुट्ठी, दूसरे दिन एक मुट्ठी, तीसरे दिन, इसी तरीके से 21 दिन में 21 मुट्ठी उड़द हो जाएंगे। वो उड़द ही आपके काम की चीज है, प्रतिदिन आपको उड़द रखने हैं, उन उड़दों पे ही दीपक प्रज्वलित कर लेना है, उड़द की ढेरी पे, एक ही साथ मत लगाना, एक मुट्ठी लगाना, रख दिया दीपक प्रज्वलित कर दिया, ये विधान है। अब साधना के अंतिम दिन, साधना के अंतिम दिन क्या करना है, साधना के अंतिम दिन आपको हवन करना है। हवन की चीज से करना है, देसी दारू, सरसों का तेल, काले तिल, ठीक है, और काली मिर्च, ये चार चीजों से, या काली मिर्च मत मिलाइए, काले तिल, देसी दारू और उड़द, काले उड़द जो हैं, थोड़े से उड़द ले लें, उससे हवन करना है, और सरसों का तेल, काले तिल, देसी दारू, सरसों का तेल और काले उड़द, उसको काट दीजिए, मतलब काली मिर्च नहीं लेनी है, काले उड़द लेना है। ये चारों चीजों से आहुति करनी आम की लकड़ी पे या उपले पे, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूं, अब ये मत भूल जाना कि धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलानी है, कि भैया धूप बत्ती अगरबत्ती हवी सभी साधनाओं में, जब पूजा पे बैठते हैं तो धूप बत्ती अगरबत्ती ये जलानी होती है, ठीक है, ये जलानी ही होती है। तो धूप बत्ती रोज प्रतिदिन जलाएं, कम से कम 5 धूप बत्ती जलाएं, 1 धूप बत्ती जलाएं और 5 अगरबत्ती जलाएं या 3 अगरबत्ती जलाएं, ठीक है। तो अगरबत्ती जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, एक माला गुरु मंत्र की, सर्वप्रथम एक माला गणेश मंत्र की, फिर भैरव मंत्र की, फिर अपना गुरु मंत्र की, और फिर रक्षा मंत्र की, यानी रक्षा घेरा इस साधना में लगाना अनिवार्य है। साधना काल में दूसरे या तीसरे दिन से ही दिव्य अनुभव शुरू हो जाते हैं, बाबा आके डराते हैं, साधक को भयभीत करते हैं, तो इस साधना काल में घेरा जरूर लगाए। इस मंत्र आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आहुति करनी कितनी है, 108, यानी एक माला से आहुति करनी है। अब करना क्या है, साधना आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पहले दूसरे दिन से ही अनुभव शुरू हो जाएंगे, तो साधना काल में डरना नहीं है, घेरे से बाहर नहीं निकलना है और साधना कंप्लीट करनी है। अब करना यह है कि आप जो वो उड़द है उनको संभाल के रखना है, वही आप उसी उन्हीं उड़दों से नजर बांधी जाएगी किसी की, उन्हीं उड़दों से खोली जाएगी, कहीं पे भी आप नजर बांधना चाहते हैं तो उन उड़द के दानों पे ही प्रयोग किया जाएगा। अब वो प्रयोग कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपको संस्थान पे कॉल करनी पड़ेगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। और मैं बता रहा हूँ सभी साधनाओं की बातें यहाँ पे भी, मंत्र मैं तोड़ दूंगा, बीच में से गायब कर दूंगा, क्यों, क्योंकि लोग कॉपी कर लेंगे और फिर उसका कोई फायदा नहीं है, बाद में लड़ाई झगड़े करते तो कोई नतीजा निकलता नहीं है। तो मंत्र वैसे तो मेरे कीलित ही होते हैं, लेकिन कॉपी करके कोई भी कहीं डाल सकता है, तो आप लोगों को गुमराह कर सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है। तो मंत्र तो मेरे सारे कीलित हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र देता हूँ तो कीलित करके देता हूँ, ताकि वो उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए। तो यहाँ पे भी मंत्र मैं तोड़ दूंगा, और जिसको साधना करनी है वो संस्थान के नंबर पे कॉल करे और कुछ आदान प्रदान करे, यानी कि इस साधना का जो शुल्क है वो आपको पे करना पड़ेगा, वो साधना दे दी जाएगी विधि विधान के साथ। कैसे साधना का प्रयोग करना है, कैसे चलानी है शक्ति, कैसे नजर बांधनी है, कैसे खोलनी है, सारी चीजें बताऊंगा A to Z। जिसको साधना करनी है साधना के संस्थान के नंबर पर कॉल करें, पूरी जानकारी दी जाएगी, विद चलाने, विद प्रैक्टिकल सब कुछ, और पूर्ण रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जब तक के लिए जय श्री महाकाल, आदेश आदेश।